السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ब्रेड दोस्तों और साथियों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि आजकल मुसलमान किस दौर से गुजर रहे हैं। आप जिस जगह भी नजर उठाकर देखें, वही मुसलमान जिल्लत और रिसवाई से दोचार है। हाल ही में सीरिया, गोता, श्रीलंका और बर्मा में मुसलमान बहुत ही कठिन हालात से गुजर रहे थे और बहुत दिनों से हमारे अजीज हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। कभी तीन तलाक के मसले को लेकर, तो कभी खुला और निकाह और हलाला के जरिए मुसलमान की शरीयत से खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे मजहबों और तमद्दुद को बुरा भला किया जा रहा है और हुकूमत इस पर खामोश है। अगर बिलफर्ज कोई शख्स आवाज़ भी बुलंद करता है तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की जा रही है और अब इन लोगों ने आगे और कदम बढ़ाकर बिहार के इस्लाम में से समस्तीपुर और भी दीगर जगहों में हिंदुओं ने मुसलमान की मस्जिदों में बेबाकी से अपने झंडे गाड़ दिए। इसकी वजह से सख्त फसाद होने का अंदेशा है। इन हालात के बावजूद हम सबको गद्दार वतन कहा जाता है और हमारे साथ एहसास और जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है। इतना होने के बावजूद भी मुसलमान अब खामोश खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कब तक दलील किया जाता रहेगा? हम सब कब तक पामाल होते रहेंगे? मुसलमान अपने माजी को याद करो और अपनी आपसी लड़ाई को जड़ से खत्म करो और आपस में भाई भाई बन जाओ। मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो मुत्तहिद हो जाए और अपने मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो सबको एक और नेक बना दे। मैं इस चंद बातों पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। यह शायर पे हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेड दोस्तों और साथियों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि आजकल मुसलमान किस दौर से गुजर रहे हैं। आप जिस जगह भी नज़र उठाकर देखें, वही मुसलमान